हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी इन इंग्लिश ग्रामर क्लास सेकेंड। इंग्लिश ग्रामर की बुक में हम आज चैप्टर नंबर है वो हमारा 3 करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड हमने कंप्लीट कर लिया है, आपने भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, चैप्टर नंबर है हमारा 3, नेम है वोवल्स एंड कॉन्सनेंट, स्वर और व्यंजन। There are 5 vowels in the English alphabet। यहाँ पे देखो English alphabet में कितने vowels है? 5 vowels है। तो नीचे दिए है A, E, I, O, U। टोटल कितने है? 5 vowels। The other 21 letters of the alphabet are called consonant। बाकी के जो 21 letters है alphabet में उसको क्या कहते हैं? कॉन्सनेंट मतलब व्यंजन। दे आर वो कौन से हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सारे हैं वो कॉन्सनेंट्स है, तो इसको सब इन सबको व्यंजन कहते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज ए करेंगे। राइट वोवल्स इन द बॉक्सेस टू मेक 2 डिफरेंट वर्ड्स। यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं 2, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, बीच में वोवल्स लिखना है आपको। देखो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, इसमें ई लिखा है तो ई है वो वोवल्स है ना, और ओ भी वोवल्स है। ऐसे ही हमें जो बाकी के जो वर्ड्स है वो फिल करने हैं। सेकेंड है उसमें क्या लिखा है बीच में, यहाँ पे ई लिखना है तो ये पूरा वर्ड बन जाएगा पेन। ई है वो वोवल्स है ना। नेक्स्ट है उसमें पेन लिखा है तो यहाँ पे ये है वो वोवल्स है, तो यहाँ पे ये लिखना है। फिर यहाँ पे हैट है तो यहाँ पे ए लिखना है, ये है वो वोवल्स है। फिर यहाँ पे हुट है तो यहाँ पे यू है वो वोवल से। फिर फोर्थ में है मैप तो ये है वो वोवल से, तो यहाँ पे ए लिखना है। फिर है मॉप तो यहाँ पे ओ वोवल से, तो यहाँ पे ओ लिखना है। फिर है कप, यहाँ पे यू है वो वोवल से। फिर यहाँ पे ये स्केप में ए है वो वोवल से। फिर बन में यू है वो भी वोवल से। फिर बीन में आई है वो भी वोवल से। तो ऐसे आपको कॉपी करना है, जैसे मैंने आपको वोवल्स यहाँ बीच में ब्लैंक्स में लिखा है वैसे आपको अपनी वर्कबुक में आपको कॉपी करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, राइट करेक्ट कॉन्सनेंट इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है, कुछ वर्ड्स है पिक्चर के साथ, उसमें ब्लैंक में कॉन्सनेंट्स है वो लिखने हैं। तो पहला है वो पिक्चर है वो गॉट का है, तो यहाँ पे मैंने जो ब्लैंक है उसमें लिख दिया है गॉट, जी और टी है वो ब्लैंक में लिखना है, ये है वो कॉन्सनेंट है व्यंजन है। फिर एक्सरे का है पिक्चर, यहाँ पे एक्सरे है एक्स आर वाई ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है पुडल तो यहाँ पे पी और डबल डी एल वो ब्लैंक में लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर है वॉच का तो यहाँ पे डब्ल्यू टी सी एच लिखना है। फिर है रेबिट, आर डबल बी और टी ये सब कॉन्सनेंट है तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में राइट करना है। फिर है शू, उसमें एस और एच ये कॉन्सनेंट है तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में राइट करना है। ऐसे इसमें जैसे मैंने आपको लिखा है आपको अपनी वर्कबुक में कॉपी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिफरेंट कॉन्सनेंट टू मेक राइमिंग वर्ड्स, रीड देम अलाउड। देखो नीचे जो ब्लैंक्स है उसमें कॉन्सनेंट में से राइमिंग वर्ड जो बनाए हुए हैं उसको आपको रीड करना है लाउडली। देखो फर्स्ट एग्जांपल है मैप, टैप, आगे का जो वर्ड्स है वो कॉन्सनेंट है व्यंजन है ब्लैंक में लिखा हुआ है, बाकी सब में भी मैंने लिखा है तो आपको ये रीड भी करना है लाउडली, फिर आपको लिखना भी है। मैप, टैप, कैप, कार, फार, बार, फीग, बीग, डीग,
sell, fail, tell. Right, night, light. Round, sound, found. Brain, grain, train. तो ये सारे कॉन्सनेंट है, ब्लैंक में लिखे हुए है, आपको देख देख के कॉपी करनी है और साथ में रीड भी करना है. तो होमवर्क में आपको स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर में मैंने जो आपको फिल करवाया एक्सरसाइज ए बी सी, वो आपको अपनी वर्क इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक में कॉपी करनी है.